देखना तुम इस घर में जब वो आएगी ना कैसे रौनक लगा देगी। रौनक रौनक नहीं लगाएगी, स्यापा डाल देगी स्यापा। फौजिया तू जिंदा तो है ना पुत्र? बस आखिरी सांसें ले रही हूँ दादी। पुत्र आखिरी सांस लेके ना दरवाजा खोल दे, मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी लाश कैसे खोलेगी दरवाजा दादी? आप कौन? 1000 रुपए देना है। क्यों? 1000 रुपए दो, कैब वाले को देने हैं भाई। अच्छा अच्छा एक सेकेंड। ये लें जी। पर तुम हो कौन? फौजिया जट और लाडो फ्रॉम गुजरावाला पुलिना। सामान लेके आ जाओ। हाय मेरी प्यारी बच्ची, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप सुनाए? पुत्र इतनी तेरी सेहत खराब हो गई है, मैंने तो गले नहीं कुटके लगाया कि साह ना रुक जाए तेरा। दादी वो अम्मी ने कहा कि अगर शहर में बसना है तो पतला होना पड़ेगा। देखिए क्या हाल बना दिया मेरा डाइटिंग करवा के। बस अब मैंने यहाँ पे कोई डाइटिंग शाइटिंग नहीं करनी, ठीक है ना? बेटा तू फिक्र ना कर, अब तू हमारे घर में आ गई, तुझे खिला पिला के ना बेबी एलिफेंट बना देंगे जैसे तू बचपन में थी। तू ना उस्मान की कमर पे बैठती थी ना, उस्मान फुस्त हो जाता था, सांस बंद हो जाती थी। ताई आप कैसी हैं? मैं वारी, अब तू आ गई है ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई, बहुत खुश हूँ मैं। मैंने तो इससे सोनी कुड़ी कभी देखी नहीं। हाय हाय माँ जी, तो इतनी प्यारी कुड़ी को यहाँ बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है गर्मी में? चलो चलो अंदर। एक सेकंड, उस्मान कहाँ है? उस्मान, ये रहा उस्मान। माँ जी चलो ना खाने का बंदोबस्त करें, आज मैं आती हूँ। ओ तो आप हैं उस्मान जी? सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे लगा आप यहाँ पे मुलाजिम हैं। पैसे, गॉड इज ग्रेट, ओनली 5 मिनट लेट। मेरा मतलब कि अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम मिल ना पाते, है ना? चेक किए हमारी किस्मत की टाइमिंग। मेरा मतलब अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम मिल ना पाते, है ना? आप कहीं जा रहे थे ना? सामान ले आना। आजकल दी पौध किधर लगी? पुत्र मैं तेरे नाल ना बड़ी जरूरी गल करन आई। हाँ तो आप करें ना बात, आज से पहले कभी पूछ के किया आपने? इस दफा बात ही बड़ी खास है, हमने ये सोचा कि मेरू तेरे लिए बहुत सूट करेगी। क्या? मौत ना मरना पुत्र, मेरी किस्मत है दादी, प्यार में हलाल होकर हराम मौत मरना ही सही। कोई और रास्ता निकाल ले पुत्र, तेनू रब दा वास्ता है। जो कुछ देख लिया ना मैंने, अब तो यहाँ उस्मान जी रनवे हो या मैं उनकी बेवा। और कौन रनवा, किसकी बीवी, शादी कहाँ हुई है अभी? आप मेरे रूहानी मिजाजी खुदा तो है ना उस्मान जी? खुदा खुदा करके इतनी रूहानी बच्ची मिली है, क्या जवाब दूंगी गुजरा वाले को? माँ जी आप तो चुप करे ना, वो क्यों चुप हो गई? माँ जी मरती नहीं गई। फौजिया तू जिंदा तो है ना पुत्र? बस आखिरी सांसें ले रही हूँ दादी। पुत्र आखिरी सांस लेके ना दरवाजा खोल दे, मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी लाश कैसे खोलेगी दरवाजा दादी? जिगर छन्नी है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। नाम देखो इसका, फौजिया। इसे बोलो जल्दी मरे, वक्त ना जाया करे। अगर मैं मर गई ना तो पुलिस ने आप लोगों से तफ्तीश करनी है। उस्मान पुत्र अगर इन्हू कुछ हो गया तो पुलिस ने तफ्तीश तेरे से ही करनी है। क्यों? मैं कौन सा भगा के लाया था? पर्चे तो आप लोगों पे दूंगा मैं, जबरदस्ती शादी करवाने के। सबने उम्मीद छोड़ दी तो फिर मेरा क्या होगा? हाय बाजी, ये लगता मर गई। ये ना आप तीनों को मार के ही मरेगी। ऐसी लड़कियां स्ट्रॉ से भी डरती हैं, खुदकुशी करेगी। तो और क्या करूं? नीला थोथा लाता हूँ, चाट के इजी होके मरना। लाना तो ऐसे इश्क पे। मैं आप पर किताब लिखूंगी उस्मान जी। मरने के बाद ऊपर जाके लिखती रहना इजी होके। किधर? जहर लेने जा रहा हूँ। मरना कैंसल। शाबाश पुत्र, वेरी गुड। मैं तो ये देख रही थी कि किसको कितनी परवाह है मेरी। हाय बेटा, हमारी तो जान ही निकल गई थी। देख पुत्र, किसी के घर खुदकुशी नहीं कर दे, बल्कि अपने घर भी नहीं करते खुदकुशी। जल्दी से ना सदका दो, बच्ची बाच कीजिए। हाँ माची, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।